कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां मैसर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे परिवर्तन के पुरोधाओं ने इस कल्याणकारी कल्पना से राजनीतिक सिद्धांतों का सृजन किया था कि भविष्य का समाज नीति नियम व नैतिकता के अवलंबन पर आधारित होगा, किंतु वही राजनीति आज अर्थ धर्म का व द्रव्य संचय का साधन बन गई है, तब समुन्नत समाज की वह कल्पना छिन्न तार नजर आती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति जनसेवा व लोक कल्याण का सशक्त माध्यम है, किंतु वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ठीक इसके विपरीत दिखाई देता है। जब वही माध्यम संप्रदायवाद, अलगाववाद व परिवारवाद की पराकाष्ठा में परिणत हो रहा है, क्योंकि साथियों, जिस राजनीति को जनसेवा का संकल्प होना था, उसे तिजोरियां भरकर धनाढ्य होने का विकल्प माना जा रहा है। जिस राजनीति को परिवर्तन के पथ पर चलना था, वह नितांत चुनावी विजय के रथ पर सवार हो रही है, और सत्ता की तृष्णागत राजनीति का ही परिणाम है। कहीं भेदभाव की नीतिवश अमेरिका अश्वेत आंदोलन में झुलस रहा है, कहीं अफ्रीकी देश शरणार्थी समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं एशियाई राष्ट्र गरीबी भुखमरी से त्राही त्राही कर रहे हैं। साथियों, राजनीति के इस छत्र विक्षिप्त शव की परीक्षा करने पर न केवल सिद्धांतों की आंख में विष नजर आता है, अपितु लोकतंत्र की आत्मा भी तार तार दिखाई देती है। आज यदि सत्ता षड्यंत्र में घुला जातिवाद का विष समूची मानवता को सार्वभौमिक आत्मघात की तरफ ले जा रहा है, तो यह परिणाम है चरित्र के स्थान पर आपराधिक वृत्तियों के राजनीति में प्रवेश का, सामूहिक जनचेतना के सुसुप्त हो जाने का। यह दुर्धर परिणाम है विकास के विमर्श के स्थान पर सत्ता संघर्ष के सर्वोपरि हो जाने का। निसंदेह तथ्य है मान्यवर, जब सत्ता निरंकुश विपक्ष पंगु हो जाए, विद्रोह व प्रतिकार अवकाश पर चले जाए, समीक्षाहीन मतदाता मुख हो जाए, तब राजनीति को मदान सभा की नर्तकी बनने में देर नहीं लगती। आज यदि अवसरवादी राजनीति से समाज छला जा रहा है, आज यदि विश्व में अंधराष्ट्रवाद की राजनीति विध्वंस को आतुर है, तो इसलिए कि हम मीर कबीर गांधी के वंशज अन्याय और अनैतिकता के आगे मौन होते जा रहे हैं। जाने क्यों हमारे चित्त ने प्रतिकार के व्यवहार से किनारा कर लिया है। प्रगतिशील समाज यह भूल गया है कि जनकल्याण ही राजनीति की जाति है, लोकतंत्र ही उसका संप्रदाय है, और जनादेश ही एकमात्र पंथ है जिसके बिना राजनीति प्राणविहीन देह रह जाती है। किंतु साथियों, यदि तत्वहीन राजनीति से समाज जड़ हो सकता है, तो ज्ञानयुक्त चेतना से व्यवस्था पुनः जीवित भी हो सकती है। आवश्यकता है युवा वर्ग को नवजागरण का अग्रदूत बनने की, मूल्यों से परिपूर्ण राजनीतिक शिक्षा की अनिवार्यता की। आवश्यकता है विमर्श विद्रोह प्रतिकार युक्त चिंतन की। साथियों, जन आंदोलन की इस भारत भूमि पर लोकतंत्र व संविधान की उर्वर माटी में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति का रोपण पुनः संभव है। आवश्यकता है त्याग युक्त जन चेतना की। अंततो गत्वा यह कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है यह तस्वीर बदलनी चाहिए, यह तस्वीर बदलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।